نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلم المسلمون من لسانه ويديه. ये आप सलम की हदीस मुबारक है। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सलम की इस हदीस का मफहूम है कि वो शख्स कतान मुसलमान ही नहीं। आप सलम ने फरमाया वो शख्स कतान मुसलमान ही नहीं जिसकी ज़ुबान या हाथ से किसी को तकलीफ़ पहुँचे, किसी को दर्द हो, तुम्हारे अल्फाज जो किसी के दिल पर लगें, तुम्हारे हाथ से दी तकलीफ़ जो किसी को जिस्म पर हो। याद रखना, तलवार के दिए हुए ज़ख़म अगर जिस्म कट जाए तो ज़ख़म बढ़ जाता है, लेकिन ज़ुबान के दिए हुए ज़ख़म कभी नहीं बढ़ते। इसलिए आसल ने फरमाया मन सलमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, वो शख्स कतान मुसलमान नहीं जिसकी ज़ुबान या हाथ से किसी को तकलीफ़ पहुँचे, किसी को तकलीफ़ पहुँचे। हम क्यों करते हैं आज ऐसा? हम बोलते हैं ज़्यादा, किसी को गाली दी, किसी के बारे में बुरा कहा, किसी को भला कहा, क्यों करते हैं हम आज ऐसा? हमें अपनी ज़ुबान को आप सबने फरमाया जितना कम बोलोगे तुम उतनी गलतियों से ज़्यादा महफूज रहोगे। आज हम ज़्यादा बोलते हैं तो हमसे गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। लोगों के दिलों पर हमारे अल्फाज लगते हैं, दिलों पर लहजे असर करते हैं, अल्फाज असर करते हैं। जिस्म पर आप सबने फरमाया किसी को तकलीफ़ ना दो। आप सबने यहाँ तक फरमाया कि किसी जानवर को भी तकलीफ़ ना दो। हमारा दिन इतना आसान है, इतना आसान है, हमने इसे इतना मुश्किल बना रखा है, इतना मुश्किल बना रखा है। क्यों हम आज आप सलम की बातों पर अमल नहीं करते? क्यों हम उनकी हदों को पार कर रहे हैं? हमें चाहिए कि उनके नक्शे कदम पर चलें, किसी को ज़ुबान से गाली ना दें, किसी को ज़ुबान से तकलीफ़ ना हो। हमारी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचे, हमारे हाथ से किसी को तकलीफ़ ना हो। हमें चाहिए कि अपने ज़ुबान और हाथ को अपने कंट्रोल में रखें। हमें अल्लाह ताला इस अमल पर बात करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।